हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे, और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है और रहमान मैं हूँ अमन मोहम्मद सैफ। और मैं हूँ जफर इकबाल। और भाई, देखने जा रहे हैं एपिसोड 160 का नेक्स्ट पार्ट। तो बिल्कुल भाई, पिछले पार्ट में जैसा हमने देखा कि एक नई एंट्री हुई है। खैर, बाकी आगे अब देखते हैं, तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। मैं मानसरोवर स्नान करने के लिए जा रही हूँ। नारायण नारायण। राम प्रभु, मुझे तो आभास हो रहा है कि माता के साथ कोई अन्याय अवश्य हुआ है, परंतु आप तो भगवान हैं, आपसे तो कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। किंतु एक पति ने किसी कारणवश अपनी नवविवाहिता का हृदय अवश्य दुखाया है, उसे ठेस पहुंचाई है। हाँ? प्रभु नारायण नारायण। मैंने माता को प्रारंभ से ही पीड़ित देखा है प्रभु। सर्वप्रथम मैंने उनको आपके प्यार में विवश और दुखी देखा। मैंने सोचा कि विवाह के उपरांत उनकी सारी पीड़ाओं का अंत हो जाएगा, किंतु प्रभु प्रथम प्रणय रात्रि में भी मैंने उनको वैसे ही दुखित और द्रवित देखा। मेरी माता दुखी है प्रभु, उनकी पीड़ा का निवारण कीजिए प्रभु, निवारण कीजिए। पत्नी का पति से रूठना प्रेम की एक अभिव्यक्ति है नंदी। हाँ, सही बात। मैं शीघ्र ही उनसे मनोहार कर उन्हें मना लूंगा। परंतु मुझे ये नहीं सूझ रहा कि मैं सती को मनाऊंगा कैसे। ये चीज है मुश्किल। जी बताएंगे सब। स्वामी, इतने व्यवधान के पश्चात शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। कामदेव और रति ने स्वयं उनके प्रथम पुण्य रात्रि की तैयारियां की, पर वे शिव और सती का मिलन नहीं हो सका। ये इतनी सरलता से होने वाला मिलन नहीं है देवी लक्ष्मी, क्योंकि इसकी जटिलताएं अनेक है। एक और सती है जो मनुष्य रूप में है, जिसकी अपनी सीमाएं होती हैं, और दूसरी ओर सभी सीमाओं से परे वैरागी जीवन जीने के आदि हो चुके महादेव। इसमें समय तो लगेगा और संपूर्ण जगत को प्रतीक्षा भी करनी होगी। आश्वस्त करने वाली बात यह है कि शिव संन्यास से गृहस्थ की ओर जाने का प्रयास कर रहे थे। हाँ, तभी तो रूठी हुई सती को मनाने के लिए व्याकुल है शिव, परंतु सती भी तो अपने हट पर अड़ी हुई है। भोलेनाथ उन्हें मनाए तो कैसे? आप देखिए देवी, जितने निराले भोलेनाथ हैं, उतना ही निराला उनका मनाने का ढंग भी होगा। मुझे तो लगता है आज संसार को भी कोई उपहार मिलने वाला है महादेव से। देखते हैं। आप जाइए बाकी साहब।
हृदय के चार प्रकार होते हैं। पहला होता है आंगिक अभिनय, अर्थात शरीर के भाव के सहारे चरित्र को जीवित करना। दूसरा होता है वैचिक अभिनय, अर्थात वाणी द्वारा चरित्र को जीना। तीसरा होता है आहार्य अभिनय, अर्थात साज और श्रृंगार स्वयं को चरित्र में ढालना। चौथा और अंतिम अभिनय सात्विक अभिनय, अर्थात अपनी आत्मा की अनुभूति से चरित्र को जीना। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। अभिनय की अद्भुत परिभाषा की है आपने, और मेरा कवि हृदय इस परिभाषा को काव्य में परिवर्तित करने से स्वयं को रोक नहीं पा रहा। सुनिए, आंगिकम भुवनम यस्य वाचिकम सर्ववाङ्मयम् आहार्य चंद्र तारादि त्वं नमस्तात्विकम् शिवम्, त्वं नमस्तात्विकम् शिवम्। आज से हम यहाँ कैलाश पर नाटक का प्रदर्शन करेंगे। ये खुश हो तो? नाटक का सारांश होगा एक अप्सरा द्वारा एक ऋषि की तपस्या को भंग करने का प्रयत्न करना। मैं ऋषि बनूंगा और अप्सरा की भूमिका निभाएंगे नंदी। वो एक खड़ा है, अप्सरा बन गई है नंदी। ओ पीछे ला देखो नंदी के पीछे। नारायण नारायण। हाँ, पूरा साजो समान ही भैया आ गया। चलो नंदी चलो, अपनी भाव भंगिमाओं द्वारा ऋषिवर बने महादेव को आकर्षित करने का स्वांग रचो। चलो भी। ठुमक ठुमक कर चलेगी। चलो रानी, लो मैं स्वर्ग की अप्सरा आपसे प्रणय के निवेदन हेतु आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ ऋषिवर। कृपया बस एक बार मेरी ओर देखने का कष्ट कीजिए। हे ऋषिवर, आंखें खोलिए ऋषिवर। हे ऋषिवर, आंखें तो खोलिए। इतनी सुंदर नारी। नहीं 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 प्रभु, मुझे ये सब कुछ नहीं होगा। नहीं प्रभु, ये मैं नहीं कर सकता। आपके तप को भंग करने का दुस्साहस मुझसे नहीं होगा। नहीं करनी मुझे मेनका की भूमिका, अभिनय मेरे बस का नहीं है प्रभु। मैं तो आपका अनुचर हूँ, आपका नंदी, मैं आपका सेवक बनकर ही प्रसन्न हूँ। नहीं कर सकता मैं ये। बन गया।
सती, क्या तुम अब भी मुझसे रूठी हो? नहीं। कोई भक्त अपने भगवान से रूठ सकता है भला? आज से हम प्रतिदिन कैलाश पर तुम्हारे मनोरंजन की व्यवस्था करेंगे। कभी कैलाश पर नाटक खेला जाएगा तो कभी नृत्य संगीत का उत्सव मनाया जाएगा। आज के पश्चात तुम कैलाश पर कभी दुखी नहीं होगे। लो जी देख ले भाई, कितने प्यारे तरीके से एक बार सती जी को महादेव जी ने मना ही लिया इस चीज़ को। लेकिन मुश्किल था उनके लिए फर्स्ट टाइम भाई कि ये चीज़ें अब कैसे करनी है या क्या नहीं, वो भी एक बार सोच रहे थे। तो देख ले कि एक ऐसी चीज़ माइंड में आई कि भाई जो नंदी जी हैं वो एक अबला नारी नारी की तरह भाई वो बन गए। और एक बार महादेव जी के भाई उन्होंने एक तपस्या भंग की और तभी जाकर एक बार हंसी हैं जाकर सती जी। वेट कर रहे थे कि एक महादेव जी कैसे सती जी को मनाएंगे क्योंकि पहले ऐसी चीज़ें की नहीं है। तो सबको वेट था कि विष्णु जी ने भी बोला है कि एक मतलब कि उनसे एक संस्कार जो है ना संसार पूरे मतलब के लोग सीखेंगे कि कैसे चीज़ें ये मतलब के एक करनी है। तो वो आज लोगों के मतलब के अभी भी यही चीज़ें चार पॉइंट भी उन्होंने बताए हैं कि जो मतलब और एक उनकी लैंग्वेज स्टार्ट में तो नहीं समझ आई लेकिन आगे उनके मतलब उन्होंने बताए हैं तो वो बहुत इम्पोर्टेंट थे। और यही है कि उन्होंने बताया कि किस तरह आपने जो है ना वो लाइफ यहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। वो जिस तरह मतलब एक मसले मसाइल आ जाते हैं लाइफ में और उनको किस तरह हल करना। और आज उन्होंने भाई कह दिया कि अब सब कुछ होगा, नाटक भी होंगे, हाँ जी मजा आएगा, संगीत भी होगा, गाने बजाने सब कुछ चलेगा भक्त के साथ। नंदी जी तो लेकिन यहाँ पे फंसना बेचारे नंदी जी नहीं नहीं नंदी जी लेकिन आज सही एक्टिंग की नहीं भाई, अच्छी एक्टिंग थी, मजा आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वार्ड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, गुड बाय, टेक केयर।